काम करते हैं। एक बार कमेंस की बात कर लेते हैं, और कमेंस के नंबर्स आए थे, नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, और घरेलू और विदेशी मार्केट से अच्छी डिमांड के चलते मुनाफा 60% बढ़ा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कमेंस इंडिया के CFO अजय पाटिल मौजूद हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। नंबर्स आपके काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन मार्केट हैरान था कि आपने गाइडेंस नहीं दी। आप नॉर्मली गाइडेंस देते हैं, ऐसा क्यों? गुड मॉर्निंग टू यू अनुज जी और सभी दर्शकों को। हाँ, आपने जो बात कही वो ठीक है, नंबर्स अच्छे आए हैं, लेकिन गाइडेंस के लिए दो तीन चीज़ें हैं। गाइडेंस लेटर पार्ट ऑफ द ईयर हम जरूर देना चाहेंगे। अभी जो है दो और तीन चीज़ों की वजह से हम नहीं दे पाए। एक तो था कि अभी July 1st से CPCB 4+ का एमिशन चेंजेस आने वाले हैं, और दूसरी बात यह है कि कुछ हद तक अभी भी जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है या सप्लाई चेन के कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के ऊपर अभी भी थोड़े से सप्लाई इश्यूज है, उसके चलते हमें ऐसा लगता है कि अभी एक क्वार्टर या दो क्वार्टर रुकने के बाद हमें उतनी क्लैरिटी आ जाएगी ताकि हम एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से गाइडेंस दे पाए। ओके, अच्छा सर, मैं आपके जवाब में से ही अगर आपके एक प्रश्न को ढूंढूं, ठीक है, आपकी मैं बात सराखों पर, और आई थिंक कुछ इश्यूज हैं जिसके चलते आपने रेवेन्यू की टिप्पणी नहीं करी, या फिर आप लेटर हाफ में करेंगे। ये CPCB जो 4+ नॉर्म्स हैं, उसके लिए जो नया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है आपका, वो कैसे तैयार है, ये ऑफरिंग कैसी रहेगी, और यहाँ से कितने रेवेन्यू एक्सपेक्टेड हैं सर? तो वीरेंद्र जी, ऐसा है कि CPCB 4+ जो है ये 1 जुलाई से 800 kVA अप टू 800 kVA के जेनसेट्स के लिए एप्लीकेबल है, उसके ऊपर के जेनसेट्स के लिए नहीं। एज फार एज कमिंस इंडिया का जो पूरा पोर्टफोलियो है, हमारा प्रोडक्ट रेंज पूरी तरह से तैयार है जो CPCB नॉर्म्स को फुल्ली कंप्लाई करता है, और हम उस तरह से जब ये 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा, हमारी प्रोडक्ट रेंज पूरी तरह से तैयार है। और इसमें ये जो है, ये जो चेंज है, ये कोई मामूली चेंज नहीं है, ये बहुत बड़ा चेंज है। सारे इंजन जो पहले मैकेनिकल तकनीक से चलते थे, अब ये सारे इंजन इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे, जिसके चलते जो एमिशन की उम्मीद है रेगुलेटर को, जहाँ पे जैसे हम जिसको नॉक्स कहते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन या पार्टिकुलेट मैटर, वहाँ पे 80-90% तक इम्प्रूवमेंट होनी है। और इस तरह की एमिशन की इम्प्रूवमेंट करने के लिए इंजन के तकनीक में काफ़ी हद तक चेंज करना पड़ता है, और ये चेंज हमारे लिए, हम समझते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। और कमिल जो 100 साल पुरानी कंपनी है, हमें वो इंजन टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जिसके चलते हम ये एमिशंस को पूरी तरह से मीट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स थोड़े से सॉफ्ट थे। मुझे पता है कि नंबर्स ईयर ऑन ईयर देखने चाहिए, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जो थोड़ी सॉफ्टनेस आई, और खासतौर से इंजन और ल्यूब बिजनेस में, उसका क्या कारण था? अनुज, ऐसा है कि Q3 जो है, जैसे हमने पहले भी आपसे बात करते समय कहा था कि यह हमेशा एक सबसे बड़ा क्वार्टर होता है एक साल में, जब हम 4 क्वार्टर देखते हैं, उसके चलते वो सीक्वेंशली उसमें थोड़ा सॉफ्टनेस जरूर आया है। दूसरी बात यह थी कि कुछ रेवेन्यू जो है, जिसको हम PDI रेवेन्यू कहते हैं या प्रोजेक्ट रेवेन्यू कहते हैं, वो थोड़ा ये क्वार्टर से अगले क्वार्टर तक शिफ्ट हुआ है, जिसके प्रोजेक्ट के चलते हुए देर इज नो लॉस ऑफ रेवेन्यू, जस्ट ट्रांजिशन फ्रॉम 1 क्वार्टर टू द नेक्स्ट। सो आई फील इट इज जस्ट अ सीक्वेंशियल चेंज, बट द ओवरऑल डिमांड सिनेरियो एज वेल एज द एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज टू बी ऑन ट्रैक। ओके, मतलब सर, आपने जो बात कही थी पहली रेवेन्यू गाइडेंस ना देने की, वो कुछ सप्लाई रीजंस थे, बट कमोडिटी प्राइसेस, मेटल प्राइसेस जिस तरीके से नीचे आए हैं, FY24 के लिए जो फर्स्ट हाफ होगा सर, उसमें कंफर्टेबल मार्जिन ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, और क्या मार्जिन यहाँ से फर्दर एक्सपेंड होंगे, कंसिडरिंग आई थिंक कमोडिटी प्राइसेस में जो डिप मिला है आपको? आपने बिल्कुल सही कहा, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर आप अगर देखोगे तो ऑन अ फुल ईयर बेसिस प्रॉफिट बिफोर टैक्स करीब 20% के आसपास है, और इसकी दो वजह है, तीन वजह है। एक तो ये था कि जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस में जो गिरावट आई है, उसका फायदा जरूर हुआ है। प्राइसिंग जो हमने एक्शंस ली थी लास्ट ईयर में 2022-23 में, उसको जिसको हम लोग लैग इफेक्ट कहते हैं, कि कमोडिटी कॉस्ट पहले बढ़ती है, प्राइसिंग बाद में आता है, कमोडिटी कॉस्ट नीचे जाने के बाद प्राइसिंग आती है, जिसको लैग इफेक्ट मिलता है, उसका एक फायदा हुआ है, और एक लिवरेज बेनिफिट मिला है कि जो वॉल्यूम में तरक्की आई है, जिसके चलते जो कॉस्ट एब्सॉर्प्शन है वो बेहतर हुआ है। ये तीन चीज़ों की वजह से आपको जो 20% के आसपास जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखता है,
वो उसकी वजह है। आने वाले समय में हमने गाइडेंस तो अभी दी नहीं है, लेकिन कमोडिटीज बारिंग कॉपर, मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज आर रीजनेबली होल्डिंग अप टू देयर लेवल्स। एंड द इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट वुड बी टू सी हाउ द वॉल्यूम प्लेज आउट इन द लेटर पार्ट ऑफ द ईयर, दैट आई थिंक विल बी एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट। सर, जो घरेलू बिक्री थी डोमेस्टिक सेल्स अप्रोक्सीमेटली 33% इजाफा, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स करीब 17% ऊपर, आगे जाके क्या डोमेस्टिक मार्केट से ज़्यादा ग्रोथ रखेंगे, रजिस्टर करेंगे? और अगले दो मतलब महीनों के लिए, दो क्वार्टर्स के लिए, फर्स्ट हाफ के लिए आपका आउटलुक क्या है? कहाँ कहाँ पे कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, जो तरह से 2022-23 का साल गया है, अगर जहां वो ग्रोथ आई है, जो हम किस वजह से आई है उसको थोड़ा सा अगर उसकी तरफ ध्यान दे, तो हमें जो नजर आता है कि डेटा सेंटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कमर्शियल रियलिटी है, रेंटल्स है, या हेल्थ केयर है, हॉस्पिटैलिटी है। सो अक्रॉस द वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हमने ग्रोथ देखी है। नाउ अगर हम एक थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ ध्यान देके देखते हैं कि जिस तरह से जीडीपी का गाइडेंस आ रहा है या जिस तरह पे इन्फ्लेशन के नंबर्स है, ये दोनों को अगर हम अगर नज़र में रखते हैं, तो आने वाले दिनों में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक सस्टेनेंस जरूर नज़र आता है। अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बरकरार रहती है तो एंड मार्केट्स की डिमांड भी बरकरार रहेगी, ये उम्मीद हम रखते हैं। इसमें एक थोड़ा एक चीज़ में ध्यान रखना जरूरी है कि 1 जुलाई से जब नए एमिशन चेंजेस आएंगे, तो जो इंजन मैन्युफैक्चरर्स है उनको नए एमिशन से कंप्लाई करना है, लेकिन जेनसेट जो है वो CPCB II, जो पुराना एमिशन स्टैंडर्ड है, वो जेनसेट दिसंबर 2023 तक बिक सकते हैं। तो इसके चलते डिमांड में किस तरह से इजाफा आता है वो देखना पड़ेगा। हमें जो नजर आता है कि डिमांड बरकरार रहने की उम्मीद है। अभी अभी आपने वीरेंद्र के सवाल के जवाब में कहा कि मार्जिन्स यहाँ से भी एक्सपेंड होंगे, क्योंकि इस क्वार्टर में ऑलरेडी आपके मार्जिन्स एक्सपेंशन में कुछ वन ऑफ्स भी रहे हैं, तो आपको इस किस क्या लीवर्स रहेंगे आपके पास इन लेवल से मार्जिन्स इंप्रूव करने के लिए? अनु जी, जैसा पहले भी कहा था कि 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण रही है कि जिस तरह के मार्जिन नंबर्स आए या जिस तरह के प्रॉफिट नंबर्स आए हैं। एक तो था कि प्राइसिंग का लैग इफेक्ट जरूर मिला है, दूसरी बात थी कि कमोडिटीज में जो एक गिरावट आई है उसका फायदा जरूर हुआ है, तीसरा था कि ओवरऑल जो वॉल्यूम बरकरार रहा या वॉल्यूम बढ़ा उसके चलते जो एक लिवरेज था वॉल्यूम का, ये 3 चीजों थी। आने वाले क्वार्टर्स में अगर हम इसी तरह से इसको सस्टेन कर पाते हैं, और जो एक रेवेन्यू मिक्स जिसको हम कहते हैं कि घरेलू और एक्सपोर्ट, उसका अगर मिक्स बरकरार रहा तो मार्जिन मेंटेन कर पाएंगे। बादल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया हम अपने सभी दर्शकों के बिहाफ पे भी कहना चाहेंगे आपको, क्योंकि पिछले 1 साल में, 1.5 साल में आप एक बहुत अच्छे वेल्थ क्रिएटर रहे हैं, यकीन मानिए, तहे दिल से आपको शुक्रिया इस बात के लिए कहते हैं। क्यों ना जेमिन कैपिटल गुड्स स्पेस में, बिल्कुल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और बस एक वो उस दिन एक गाइडेंस को लेकर थोड़ा सा इशू आ गया था, लेकिन उसके भी उन्होंने रीजंस बताए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल थोड़ी सप्लाई कंसर्न से पहले, सर बहुत बहुत शुक्रिया, और सर नेक्स्ट क्वार्टर के लिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सर, बेहद शानदार रहे आपका अगला क्वार्टर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।